ये पोर्शन बेस्ट सबसे गंदा ये वाला एरिया। हाँ जी, इस पोर्शन को बड़ा देखना पड़ता है, ऊपर से पत्थर पत्थर करना। Hey guys, welcome back our vlog channel. हम फिर से शुरू करने वाले हैं ट्रैवलिंग वीडियो। हम अभी सफर करेंगे नाको, टाबो और काजा के लिए। तो गाइस फिर से हमें चीयर अप कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लीजिए जानकारी कैसे आप नाको, टाबो और काजा का सफर कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा होटल, वहाँ का रहने का खर्चा और कैसे आप टैक्सी या बस में जा सकते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 1 अगस्त और अभी हम हैं नाको में और हम आज एक्सप्लोर करेंगे नाको विलेज। फिलहाल मैं आपको थोड़ा पहाड़ का व्यू दिखाने जा रहा हूँ और कुछ व्यू मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये है नाको का हेलीपैड, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे है नाको विलेज। बस थोड़ा सा मार्केट घूम के हम चलेंगे सीधा नाको विलेज की तरफ और देखेंगे नाको झील। ये यहाँ का बस स्टॉप है छोटा सा और कुछ खाने के ढाबे यहीं पे साथ में ही है। यहाँ पे आपको कुछ ज़रूरतमंद सामान भी यहीं से मिल जाएगा। तो मैं एक हैट लेना चाहता हूँ, तो देखते हैं कितने की पड़ेगी और क्या कॉस्ट रहेगी इसकी। ये वाली कितने की आंटी? 250 250 का ही पड़ेगा, बहुत महंगा है। और ये वाला, ये वाइट और ये सेम ही रेट है सबके? सब सेम ही है। ठीक है, और कलर भी एंडी यही है। इसको देखते हैं डाल के। राम राम जी। करिए तो गाइज, अब हम आपको सीधा ले चलेंगे नाको विलेज की तरफ। आई होप इतना सुंदर विलेज आपने कभी देखा हो। तो चलिए साथ में देखते हैं नाको विलेज और लेक का व्यू। सो गाइस, हम एंटर कर चुके हैं नाको विलेज के अंदर। यहाँ पे आपको लोकल मार्केट और कुछ गेस्ट हाउस मिलेंगे। और गाइस आप देख सकते हो तिब्बतन मॉनेस्ट्री का गेट और साथ में ही है तिब्बतन मॉनेस्ट्री और सामने का व्यू जो कि पर्यटकों को और ज़्यादा आकर्षित करता है अपनी ओर। बस थोड़ी दूरी पे हम गाड़ी खड़ी करके हमें एंटर करना होगा बस्ती के अंदर। आंटी नमस्कार। आंटी हमें नाको झील जाना था, गाड़ी जाएगी पैदल? अच्छा, गाड़ी यहीं लगाएंगे? कितना है आंटी यहाँ से? ठीक है। तो गाइस यहाँ से होती है पैदल यात्रा शुरू। अब हम बस्ती की गलियों से होके पहुँचेंगे नाको झील। लेफ्ट में जाना, गली एक बिल्डिंग हो ना। काफी सारे घरों के बाहर की जो बाउंड्री वॉल है उसके बाहर हमें बहुत सारे पत्थर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है पत्थरों से ही बाउंड्री वॉल को तैयार किया गया है।
मैं आप लोगों को अगर नाको के ओरिजिन के बारे में बताऊं तो नाको का नाम पहले से ही नाको नहीं है, इसका नाम नाव भी रहा है, नेगो भी रहा है। तो इसके पीछे का जो आपका हिस्ट्री क्या है वो बताने के लिए, तिब्बत से आज से 11वीं शताब्दी से पहले कोई तिब्बत से हमारे यहाँ पे कोई गुरु आए थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो वो यहाँ पर पहुँचे तो शाम के टाइम पे उनको यहाँ पे कोई बूढ़ी औरत मिली, उनसे उन्होंने वार्तालाप करने की कोशिश करी, तो उनसे पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इस जगह का नाम नाऊ है। तो उस तीर्थ जो आपके गुरु हैं उन्होंने बोला कि आप इस जगह को नाऊ मत कहिए, इनको नेगो कहिए। तो नेगो का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलता है कि ने का जो ने जो वर्ड है वो है तीर्थ स्थान को बोला जाता है, और गो होता है दरवाजा, तो इन दोनों को मिलाने पर पता चलता है कि ये तीर्थ स्थान का द्वार है, क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको हर 15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ दर्शन करने को मिलेगा। विलेज का रास्ता क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं नाको झील, और एंजॉय करेंगे अब हम नाको झील का व्यू। तो चलिए मैं फ्रंट कैमरे से भी आपको दिखाता हूं नाको झील का व्यू। हेलो, कितने की राइड मिलेगी भैया, कितने की राइड मिलेगी? हाँ जी, कितने की राइड मिलेगी? क्या कितने की राइड मिलेगी? क्या एक राइड है? पर हेड 100 रुपए। इसी में जाऊँ? भागी तो नहीं हो, एंजॉय करेंगे अब अपना, कितना आधा घंटा एंजॉय करेंगे। तो गाइस हम राइड का मजा ले सकते हैं झील में, और आप देख सकते हो